अच्छा, अभी इशाक साहब हैं हमारे साथ, जम्मू से आए हैं। हाँ, जम्मू से। शाहीन बाग। यस यस। ये बताइए, शाहीन बाग में आप किस लिए आए? हम इसलिए आए कि पिछले 60 दिन से हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं कि हमारी माएँ बहनें शाहीन बाग में NRC के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए बैठे हुए हैं, और इनके साथ इनके बच्चे भी और इनके घर की फैमिली भी। तो अफसोस इस चीज़ का आता है कि हम TV देखते देखते TV के चैनल के ऊपर जब डिवाइड का टाइम आता है, आपस में बातें करते हैं, आज तक वाले India TV वाले BJP के आदमी और दूसरे लोग वो ये बोलते हैं कि ये हमारी जो माएँ बहनें यहाँ पे बैठी हैं, लगभग 30-40 हज़ार औरतें, इनके लिए ये इंतज़ाम लगाया जाता है इनके ऊपर कि ये 500 रुपये पर बुलाई गई औरतें बिरयानी खाने के लिए यहाँ पर आती हैं। मैं अमित शाह से और नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग 500 रुपये के भूखे होते तो फिर हम लोग J&K से यहाँ पे नहीं आते, 500 रुपये से J&K में यहाँ पे नहीं आता आया जाता। अगर मैं आपको 500 रुपया दूंगा तो आप 10 हज़ार खर्च करके तो 500 के लिए नहीं आओगे, ज़ाहिर तौर पे अगर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा आप आएगा। यहाँ पे पैसा ही ऐसा कोई किसी को कुछ नहीं देता, हम सिर्फ जो इस टाइम हिंदुस्तान डूबने वाला है हम उसको डूब से बचाने के लिए यहाँ पर आके बैठे हैं, इस प्रोटेस्ट में हम लोग हिस्सा कर रहे हैं। आप देखिए, जब कांग्रेस ने 2014 में हिंदुस्तान को छोड़ा था, हमारी इकानमी कहाँ थी? तो अब ये हमारी इकानमी कहाँ ला के खड़ी कर दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। उनको ये पता है कि इसके ऊपर कोई बात करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बात करेगा। जब भी कोई ऐसा मसला आता है, कभी 3 तलाक लेकर आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, कभी NRC लेकर आ जाते हैं, कभी मैं अपनी कश्मीर की बात करता हूँ 35 है और 370 लेकर आ जाते हैं। वो जो तहरीक यह चीज़ कह रही है कि 370 और 35 ए को जो हमारी वहाँ की लोकल असेंबली है, असेंबली के बिना और कोई डिसाइड नहीं कर सकता, उसको भी उन्होंने डिसाइड किया, 5 महीने हो गए, ख़त्म कर दिया। हम उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं सुना, UNA ने हमारी बात नहीं सुनी, UNA तक हमारी बात गई। तो हमारा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों का इंटरनेट जो है वो पिछले 5 महीने से बंद है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई इनकमिंग आउट कोई कमिंग कॉलिंग बिल्कुल हमारी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल सभी काम जो है छोटे मोटे वो नेट पे, नेट के बिना कोई भी। तो जहाँ तक TV में दिखाया जा रहा था कि इंटरनेट आप लोग का ऑन हो गया, अभी तक ऑन नहीं है? अभी तक हमारा कोई इंटरनेट ऑन नहीं है, हमारा ये फोन है, लेकिन कुछ कुछ एरिया में ऑन हो गया। कुछ नहीं, जम्मू प्रोवेंस में एक दिन के लिए ऑन हुआ था, जम्मू प्रोवेंस और कश्मीर प्रोवेंस अलग है। जम्मू के लगभग कोई 20-25 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और श्रीनगर के 42 आते हैं, तो श्रीनगर में तो बिल्कुल नहीं है, जम्मू का भी कुछ नहीं है। हम जम्मू प्रोवेंस से बिलीव करते हैं, लास्ट जिस जगह में मैं रहता हूँ बॉर्डर एरिया, उस जगह का नाम है डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आपने शायद अपने न्यूज़ में किसी जगह देखा होगा, पुंछ एक बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है। तो बड़े अफसोस की बात है, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी कोई भी सहूलत वहाँ पर नहीं है। मोबाइल ऑन है कि नहीं? किसके मोबाइल? अभी कॉलिंग भी कुछ जगह नहीं चल रही है हमारी, नेट तो दूर की बात है, अब उसको बात को भी रहने दो। तो बड़े अफसोस की बात है कि ये हमारी माएँ बहनें यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। आज सुनने में आ रहा है, TV वाले बता रहे हैं, किसी ने आके ऑफिशियल किसी पार्टी के लीडर ने या किसी ने ये नहीं बताया कि आपको वहाँ पे बुलाया है ये करने के लिए, वो करने के लिए, बात करने के लिए। अगर अमित शाह को आज ये हमारी माएँ बहनें, मोदी जी ने बोला जी बेटी को पढ़ाओ, और यार बेटी को तो पढ़ाते हैं, ये हमारी माएँ बहनें बेचारी इधर बैठी हैं, इनके बारे ये तो बेटियाँ हैं ना, सबसे पहले बेटी, उसके बाद किसी की घरवाली, किसी की माँ, किसी की भाभी होती है, ये सब हमारी बेटियाँ हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें। तो बड़े अफसोस की बात है, मोदी जी और अमित शाह वहाँ बैठ के बात करते हैं जी बेटी को पढ़ाओ, इन बेटियों के बारे में वो कुछ नहीं सोचते। 65 डे हो गए इन बेटियों को यहाँ पे बैठे हुए, अगर मोदी जी को कुछ चाहिए तो इनके ऊपर आके बात करनी चाहिए।